गौतम अडानी भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। अब वह कामयाबी की नई इबारत लिखते हुए दुनिया के तीसरे धनी व्यक्ति हो गए हैं। उनकी संपत्ति $137 अरब हो गई है। ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक इस साल अब तक उनकी संपत्ति में $60.9 अरब का इजाफा हुआ है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक 30 मार्च 2014 को गौतम अडानी के पास केवल $5.10 अरब की संपत्ति थी। 16 जनवरी 2020 को $11 अरब पर पहुंचने वाले अडानी की संपत्ति में उछाल जून 2020 से आने लगा। अब सवाल उठता है कि अडानी के पास अचानक से इतनी संपत्ति कहां से आ गई, तो इसका एक ही जवाब है, शेयर बाजार में तेजी से। गौतम अडानी ने 1988 से अपना बिजनेस शुरू किया था। अभी उनकी 7 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड हैं। अडानी प्राइवेट सेक्टर में देश का सबसे बड़ा पोर्ट चलाते हैं। उन्होंने 6 एयरपोर्ट सरकार से खरीदे हैं। मुंबई एयरपोर्ट अब उनका है। प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन करते हैं। वहीं बिजली में लगने वाला कोयले का सबसे ज्यादा खनन करते हैं। देश में सबसे ज्यादा सीमेंट बनाते हैं। फॉर्च्यून ब्रांड से तेल, आटा, चावल, बेसन जैसी चीजें भी बेचते हैं। उनकी कंपनियों के शेयरों की कीमत रॉकेट की तरह भाग रही है। इनका मार्केट कैप 19 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। इन्हीं कंपनियों में शेयर होने के चलते अडानी की संपत्ति बढ़ी है।